ज्ञानशिला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है, जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर जो जिगर है या कलेजा है, वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, बीइंग अ ह्यूमन, एक मानव, एक मनुष्य होने के नाते आपके बॉडी के अंदर काम कर रहे सभी ऑर्गन्स, जैसे कि आपका हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज, लिवर, लंग्स, ये सभी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। ना सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सभी ऑर्गन्स की होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपकी बॉडी के अंदर जो लिवर है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ रोचक बातें बताना चाहता हूँ, जो जानकर शायद आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो आपका लिवर है वो कैसे काम करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, और उसी के साथ हम ये भी बात भी करेंगे कि ज़्यादा शराब पीने से लिवर खराब क्यों हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है कि जो भी ज़्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनका लीवर क्यों खराब होता है, लीवर पे ऐसा क्या इफेक्ट होता है शराब का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ लीवर के बारे में कुछ बहुत ही रोचक बातें, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप अपने लीवर के बारे में नहीं जानते होंगे। सबसे पहली बात, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपका जो लीवर है वो आपकी बॉडी के 500 से ज़्यादा काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होता है कितने सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे कि हमारी आँखें जो देखने का काम करती है, हमारे कान जो सुनने का काम करते हैं, मैक्सिमम हमारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो एक पार्ट एक ही काम करता है, लेकिन लिवर जो होता है वो 500 से ज़्यादा काम करता है। इन काम में कई सारे काम आते हैं, जैसे कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें से पोषक तत्वों को निकाल के बॉडी को हेल्दी बनाना, या आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ाई करना, या फिर आपकी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना। लीवर की जो इम्पोर्टेंस है वो इससे पता लगाया जा सकता है कि जैसा कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आराम से ट्रांसप्लांट होने लग गए हैं आजकल। जैसे कि आपकी आंखें, किसी की आंखें नहीं है तो कोई आंखें डोनेट करके आंखें ले सकता है, या हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन आपको बता दूँ, ये साइंस में फैक्ट है कि लीवर क्योंकि इतने सारे फंक्शन करता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस ऑल फंक्शंस ऑफ लीवर। जब किसी का लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है ना, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो जो नया लीवर लगाया गया है ट्रांसप्लांट करके वो ओरिजिनल लीवर जैसा ही काम करे। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात है लीवर के बारे में, वो ये है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। आज इंटरनल ऑर्गन जैसे जो होते हैं, आपके हार्ट है, लीवर है, पैनक्रियाज, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें सबसे बड़ा जो आकार होता है वो लीवर का होता है, और साथ ही ये सबसे ज़्यादा भारी भी होता है। इट इज़ ऑल्सो द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। 1.6 किलोग्राम, 1 किलो 600 ग्राम का वज़न एक लीवर, नॉर्मल लीवर का वज़न होता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ओके, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा लीवर होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है स्किन। तो कई बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन होगा वो स्किन होता है, इंटरनल जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर जो होता है वो आपके खाने को पचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। लीवर की जो पोजिशन होती है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपके स्टमक के ठीक ऊपर होती है, बॉडी के थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ये शिफ्ट साइड होता है और स्टमक के ठीक ऊपर होता है। जो आपका एब्डोमेन होता है, जो हीरो आपके आजकल एक्टर जो 8 पैक बनाते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो एब्डोमेन होता है ना, वहाँ पर लीवर की पोजीशन होती है। तो कई बार आपको यहाँ पर दर्द भी होता है लीवर में स्वेलिंग की वजह से, बट आप बाहर से लीवर को फील नहीं कर सकते। जैसे कि आप स्टमक को हाथ लगा सकते हैं बाहर से, लीवर को बाहर से इसलिए फील नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रिब्स होते हैं आपकी बॉडी के, इसके अंदर छुपा हुआ होता है। दोस्तों, लीवर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर किसी लेबोरेटरी की तरह, किसी प्रयोगशाला की तरह काम करता है। जैसे कोई लेबोरेटरी में कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारे काम होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये 500 से ज़्यादा काम आपकी बॉडी के लिए करता है, जिसमें जो प्राइमरी काम जो लीवर का है वो आपके खाने को पचाना और साथ में आपकी बॉडी के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका निर्माण करना। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है जिन जिन पोषक तत्वों से, उनको लीवर पैदा करता है और आपकी बॉडी को देता है।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पांच सबसे इंपॉर्टेंट काम बताने वाला हूँ, क्योंकि 500 काम तो एग्जैक्टली बता पाना इज नॉट पॉसिबल इन वन वीडियो। पांच सबसे इंपॉर्टेंट काम जो लीवर के हों, जो आपको जानना ज़रूरी है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला काम जो लीवर का है, दैट इट फिल्टर्स ब्लड, आपके ब्लड को ये प्यूरीफाई करता है। फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर लगभग 5.5 लीटर ब्लड होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। बट ये किसी भी पार्ट में जाने के पहले, सबसे पहले ब्लड जो जाता है वो लीवर से पास होकर जाता है। ओके, तो लीवर उस ब्लड को प्यूरीफाई करता है, वो प्योर ब्लड आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि लीवर जो है आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसको कंटिन्यूअसली प्यूरीफाई करता रहता है, उसको कंटिन्यूअसली क्लीन करता रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीवर का है वो है बाइल का उत्पादन करना। इट रिप्रोड्यूसेस बाइल, यानी कि पित्त। बाइल, पित्त क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। बाइल जो होता है एक तरह का जूस होता है जो लीवर पैदा करता है। बाइल खाने को पचाने में मदद करता है, और साथ साथ में ये खाने के अंदर मौजूद जो विटामिन्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब भी करता है। अगला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है लीवर का वो ये है कि वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल कुछ होता है, वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए और आपके अंदर एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि आपको कोई भी काम करना है तो आपको अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लीवर जो होता है ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और ग्लूकोज की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी को शुगर और एनर्जी मिलती है। तो जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत लगेगी, तो ये जो एनर्जी और शुगर है, ये ग्लूकोज जो है ये लीवर ब्लड को देते जाता है, ताकि आपको एनर्जेटिक फील करते रहें। कई बार आपने देखा हो फ्रेंड्स, आप थक जाते हैं, कई बार आप लो एनर्जी फील करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप ग्लूकोज लेते हैं बाहर से। वो ग्लूकोज लेने से क्या होता है, आपको तुरंत एनर्जेटिक फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है। बट वो तो आप एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, लीवर खुद आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ग्लूकोज बना रहा है। अगर आपका लीवर अच्छी तरह से फंक्शन करें, हेल्दी फंक्शन करेगा, तो आपको बाहर से ग्लूकोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कितना भी काम करें आप थकेंगे नहीं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का कि लीवर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। मैंने फ्रेंड्स बताया था कि 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप, मैं लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लें। उसमें मैंने बताया है कि 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट होता है, जिसके बिना बॉडी आपकी फंक्शन नहीं कर सकती है। तो लीवर प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ फंक्शन ऑफ द लीवर इज, देखिए लीवर एकमात्र ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जो रीजनरेट होता है। रीजनरेट का होने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए लीवर अभी डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। ये क्वालिटी केवल लीवर ही ऐसा एक ऑर्गन है बॉडी के अंदर जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाता है। मान लीजिए किसी का लीवर 75% तक डैमेज हो चुका है, ओके, तो और मान लीजिए उस लीवर के 75% टिश्यूज नष्ट हो जाएं, तो भी जो बचा हुआ 25% है वो 25% पूरा का पूरा रीजनरेट हो सकता है और उसको एक कंप्लीट लीवर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि 25% से 100% वो लीवर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा यूनिक क्वालिटी लीवर के अंदर होती है। आपका लीवर मान लीजिए 75% तक खराब भी हो जाए, तो भी अगर आप वहाँ से हेल्दी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दें लीवर की, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी कि वो खुद ब खुद ही रीजनरेट हो जाएगा और पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई लीवर के बारे में, यानी कि कलेजा, जिगर के बारे में। मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर है वो कैसे काम करता है, वो क्या काम करते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी की और भी कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी के ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, जिसके लिंक अब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियोस बनाने का रीज़न मेरा दो दो कारण है। एक तो आपको नॉलेज देना, आप एक हेल्दी बॉडी हो हमारी, हमारे सारे ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं हमें पता होना चाहिए, और साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज अगर हो किसी चीज़ को लेकर के, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप सही आंसर क्लिक करके आएंगे।
क्योंकि फ्रेंड साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, चाहे एसएससी सीजीएल हो या यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, साइंस का एक अपना एक इंपॉर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो साइंस को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसी कारण से ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें स्पेशली हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं बनाता जाऊँगा उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं फर्दर जो भी वीडियोज़ बने हैं। और लिवर की पूरी फंक्शनिंग और उसकी प्रोसेस समझने के बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शराब पीने की वजह से लीवर कैसे ख़राब हो जाता है, ऐसा क्या होता है लीवर के अंदर कि जब कोई शराब पीता है या अल्कोहल लेता है या मदिरा पान करता है या सोमरस पीता है, जो भी करता है, उसके बाद लीवर ख़राब क्यों हो जाता है, क्या उसकी फंक्शनिंग में ऐसा क्या होता है कि वो ख़राब होने लगता है और क्यों वो खतरनाक है, ये बताऊंगा। इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या इस वीडियो के एंड में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।